दोस्तों, जो यह टनल अभी आप देख रहे हैं वह कोई मामूली टनल नहीं है, क्योंकि यह टनल समुद्र की तलहटी से 250 फीट नीचे दो देशों को जोड़ता है। ऊपर समंदर का भार सहते हुए यह 56 किलोमीटर लंबा टनल इंजीनियरिंग की दुनिया में वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। दुनिया भर के इंजीनियर इस मेगा प्रोजेक्ट को दुनिया का 8वां अजूबा मानते हैं। जरा कल्पना करके देखिए कैसे उन तमाम वर्कर्स ने और इंजीनियर्स ने इस काम को अंजाम दिया होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन की स्टोरी वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। आपके मन में भी ये सवाल आ ही रहा होगा कि समुद्र की तलहटी को पार करके उसके नीचे की खुदाई कैसे की होगी, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस टनल में मौजूद वर्कर्स और मशीनों को हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करने के लिए काफी हो सकती थी। आज के इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब को जानने के लिए आइए जानते हैं इस टनल के बनने की स्टोरी। दोस्तों, करीब 13,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हो रही थी, तब उसने आज के इंग्लैंड और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर दिया था। इंग्लैंड और यूरोप के बीच एक हिस्से को इंग्लिश चैनल कहते हैं। यूं तो इंग्लिश चैनल काफी फैला हुआ है, मगर इस स्पेशल पॉइंट पर यह काफी संकरा हो जाता है। यहाँ पर यूरोप से फ्रांस की दूरी मात्र 33 किलोमीटर ही बचती है। 1986 में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि इंग्लैंड और फ्रांस को जमीनी तौर पर जोड़ दिया जाए, जिससे इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापार में बढ़ोतरी हो सके। जहाँ पर कई लोग इंग्लैंड के इस फैसले से खुश थे, पर वहीं इंग्लैंड में ही कुछ लोग इंग्लैंड के इस फैसले से नाखुश भी हुए। उन्होंने उस दौर में इंग्लैंड से इस फैसले का विरोध भी किया था, मगर काफी बातचीत और सुलह के बाद दोनों देशों ने यह डिसाइड किया कि वह फ्रांस से इंग्लैंड के बीच अंडर सी टनल बनाएंगे, जिसके लिए दोनों देशों ने एक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर भी किए, जिसको चैनल टनल नाम दिया गया, जिसको लोग यूरो टनल भी कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में यह तय हुआ था कि इंग्लैंड और फ्रांस अपनी अपनी तरफ से अंडर सी टनल खोदना स्टार्ट करेंगे और दोनों इस टनल के बीचों बीच तक खुदाई करेंगे। शुरुआत में तो यह प्रोजेक्ट एक फेलियर प्रोजेक्ट लग रहा था, क्योंकि किसी समंदर के नीचे 38 किलोमीटर दूर का टनल बनाना कोई मामूली काम तो नहीं है। इस काम को कोई एक इंजीनियर फर्म अंजाम नहीं दे सकती थी, इसलिए यह तय किया गया कि इस काम को 10 इंजीनियर फर्म एक दूसरे के कोलैबोरेशन से इस काम को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ यह भी तय हुआ कि टनल फ्रांस के कैले शहर से इंग्लैंड के फॉक्स टाउन तक बनाया जाएगा, जिसमें कि टनल की टोटल लंबाई 56 किलोमीटर रखी जाएगी, जबकि समुद्र के नीचे का हिस्सा 38 किलोमीटर लंबा होगा। 1986 में फाइनली टनल का काम शुरू कर दिया गया। टनल की खुदाई में इंजीनियरों को सबसे बड़ी परेशानी आई TBM की, यानी कि टनल बोरिंग मशीन की, क्योंकि आज से पहले इतने बड़े डायमीटर की टनल बोरिंग मशीन बनाई ही नहीं गई थी, जो कि इतने बड़े क्षेत्रफल की खुदाई कर सके। इसलिए रॉबिन्स कंपनी को इस डायमीटर की टनल बोरिंग मशीन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मशीन जब बनकर तैयार हुई तो वह 800 फुट लंबी और 1500 टन वजनी थी। इतनी भारी भरकम TBM से जब खुदाई स्टार्ट की गई तो इंजीनियरों को एक और नई परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी यह थी कि समुद्र के नीचे इंग्लैंड की साइड तो यह चौक की लेयर पाई जा रही थी, जो कि समुद्र के पानी को टनल के भीतर आने से रोक रही थी, मगर फ्रांस की साइड में यह लेयर काफी कमजोर थी और वहां की मिट्टी में बहुत सारी दरारें थीं, जिससे इतनी बड़ी TBM का उपयोग करना इंजीनियरों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था, क्योंकि जब इतनी बड़ी टनल बोरिंग मशीन चलती तो खुदाई के दौरान बहुत ज्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जैसे कि टनल में समंदर के नीचे लीकेज होने का खतरा भी बना रहता है। अगर थोड़ा सा भी लीकेज होता है तो टनल में वर्करों समेत सारी मशीन को पानी में जलमग्न होने से कोई रोक नहीं सकता था। इसी से बचने के लिए इंजीनियर्स ने एक दूसरी TBM का उपयोग किया, जिसका डायमीटर पुरानी वाली TBM से कम रखा गया। दोनों ओर से खुदाई का काम स्टार्ट हुआ और मशीनों ने लगभग हर दिन के हिसाब से 750 फीट खुदाई की। जैसे जैसे टनल बोरिंग मशीन खुदाई कर रही थी, वैसे वैसे उसका मलबा निकालकर उस एरिया को तुरंत कंक्रीट की स्लैब से लीकेज प्रूफ किया जा रहा था, क्योंकि अगर समंदर का पानी टनल में लीकेज हो जाता तो शायद इस प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ सकता था। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 7,50,000 कंक्रीट स्लैब्स का इस्तेमाल किया गया। इन कंक्रीट स्लैब्स को बनाने के लिए जितना कंक्रीट इस्तेमाल किया गया, उससे तकरीबन आज के 8 बुर्ज खलीफा जितनी बड़ी इमारत बनाई जा सकती थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और दोनों ओर से टनल की खुदाई का काम भी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था।
दोनों तरफ के इंजीनियर्स को बस उस दिन का इंतजार था जब टनल आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, मगर यह इतना आसान भी नहीं था क्योंकि अगर दोनों टनल की खुदाई एक सीध में नहीं हुई तो यह टनल आपस में कभी नहीं मिल सकती थी। इसके लिए इंजीनियर्स ने लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया जिसमें दोनों ओर से काम कर रही टीबीएम मशीनों पर एक एक लेजर मशीन लगाई गई थी जिससे कि दोनों ओर से टनल की खुदाई एक सीध में की जा सके। 13 सालों की कड़ी मेहनत और इंजीनियर्स के दिमाग की सूझबूझ से आखिरकार इस टनल के काम को पूरा कर लिया गया। दोनों ओर से की जा रही टनल की खुदाई समंदर के बीचों बीच आकर पूरी हुई। जब टनल दोनों ओर से लगभग एक दीवार के बराबर बची थी तो फिर उसे मैनुअली हैमर से तोड़कर आपस में जोड़ा गया और दोनों देशों के इंजीनियर्स ने आपस में फ्लैग एक्सचेंज करके इस टनल को आपस में इंटरकनेक्ट किया और फिर फ्रांस से इंग्लैंड के बीच एक जमीनी रास्ता तैयार किया गया। दोनों देशों के लिए यह बहुत ही बड़ी कामयाबी थी जिसे दोनों देशों ने मिलकर सेलिब्रेट किया। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं।